हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ पोको की तरफ से। पोको M4 प्रो की अनबॉक्सिंग मैं आज आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। तो ये प्रो वर्जन आप लोगों के लिए होने वाला है, प्रो एकदम ही। इसमें आपको स्पेसिफिकेशन भी इसके एकदम प्रो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। काफ़ी सही स्पेसिफिकेशन इसकी है। इसकी प्राइसिंग भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, इतनी हाई भी नहीं मिलती है, इतनी लो भी नहीं मिलती है। मैं ये कहूँगा मतलब ठीक प्राइसिंग के साथ में आता है। आप वेरिएंट वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कौन सा यहाँ पे वेरिएंट मिलने वाला है। 128 6GB रैम के साथ में आपको ये मिलता है, जो काफ़ी सही है मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन में। स्टोरेज आपको ठीक ठाक मिल जाती है, स्टोरेज वगैरह मैं दिखाऊंगा भी आपको कितनी फ्री यहाँ पे मिल जाती है। और भी आप यहाँ पे कलर वगैरह भी देख सकते हो, आपको ब्लैक कलर यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर मिलने वाला है। 5G फ़ोन ये होने वाला है, 5G है, लेकिन अब तक इंडिया में 5G आया नहीं है, तो इसका इतना कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब 5G अगर चलता ही नहीं है तो इसके अंदर, और इसके वो थोड़ी बहुत बैंड वगैरह भी अलग है। थोड़ा हम बॉक्स को अब यहाँ पे अब खोल लेते हैं। रैप को हमने हटा लिया है। बॉक्स के अंदर आपको सभी येलो येलो कलर की थीम मिलने वाली है, पूरी येलो कलर की। आपको पता है पोको की थीम होती है। कुछ स्टिकर्स आपको पोको के इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, कुछ पेपर मैनुअल, एक कवर भी आपको साथ में यहाँ पे मिल जाता है, स्टिकर भी आपको कई सारे मिल जाते हैं, आप चिपका सकते हो कहीं पे भी। ये थोड़ा ब्रांडिंग का ही एक तरह से होता है। सिम इजेक्टर पिन भी आपको यहाँ पे एक मिल जाती है, बाकी आपको इसके अंदर और कुछ नहीं मिलता। उसके बाद में आपको एक फ़ोन रखा हुआ मिल जाता है, फ़ोन को भी आप देख सकते हो। इसके ऊपर हाईलाइट थोड़ी बहुत यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, आप हाईलाइट वगैरह देख सकते हो। चार्जिंग वगैरह की स्पीड लिखी हुई है, प्रोसेसर का यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, प्रोसेसर मीडियाटेक का प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर ही होने वाला है। चार्जिंग आपको 32W की फास्ट चार्जिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है। डिस्प्ले आप देख सकते हो 90Hz की डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। कैमरा के भी फीचर्स यहाँ पे आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, मतलब फीचर्स इसके अंदर थोड़े जो इसके हाइलाइटेड फीचर हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। और मुझे जो ऑन पेपर तो काफ़ी सही ये लगे। इनके अगर रिव्यू अगर आपको इस फ़ोन का चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिव्यू भी इस फ़ोन का यहाँ पे ले आऊँगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा तभी मैं रिव्यू लेके आ पाऊँगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं रिव्यू नहीं लेके आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आपको रिव्यू इसका चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो इसको अब देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। बॉक्स के अंदर आपको एक पावर केबल यहाँ पे आप देख सकते हो, चार्जर आप यहाँ पे देख सकते हो, आप देख लीजिए यहाँ पे चार्जर आपको ये मिल जाता है। इसके अंदर भी थोड़ा बहुत आपको येलो कलर का पीछे की तरफ थोड़ा सा मिल जाता है, और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। पावर आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मतलब चार्जर की पावर आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको 632W का फास्ट चार्जिंग आपको मिलने वाली है। जो 32W काफ़ी सही चार्जिंग होती है आपकी, फास्ट चार्ज आपको ये करके दे देगा, इतना कम भी नहीं है। मतलब ठीक आपको चार्जिंग मिल जाती है। एक पावर केबल यहाँ पे मतलब आपको मिल जाती है, टाइप सी की ये मतलब केबल आपको मिल जाती है। टाइप सी USB से टाइप सी की केबल है, जो काफ़ी फास्ट ये आपको फ़ोन को चार्ज करिए। लुक आप देख सकते हो, काफ़ी इस बारी लुक को भी चेंज किया गया है। इसके रैपर को हम हटाते हैं तो रैपर में आपको मतलब ज़्यादा नहीं है, आपको पीछे की तरफ लुक यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी सही लुक इस बारी, मतलब बड़ा अलग लुक इसका देने की कोशिश की है पोको की तरफ से। पोको की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मतलब पोको का लिखा हुआ मिल जाता है। जो इसके कैमराज वगैरह भी आप देख सकते हो, इसमें लगता तो ऐसा है जैसे 4 कैमरे, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 मेगापिक्सल का इसमें है, और आपको सोनी की तरफ से ये कैमरेज आपको इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जो सही है। मतलब अल्ट्रा वाइड वगैरह 15 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है, वो आपको सैमसंग का मिल जाता है। मतलब अल्ट्रा वाइड तो आपको सोनी का मिलता है, लेकिन मेन कैमरा आपको सैमसंग का यहाँ पर मिलता है, जो मुझे ठीक लगा, इतना कोई नहीं है। और आपको एक कैमरा और मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा लगता है कि 4 कैमरे पर आपको 3 ही कैमरे इसके अंदर आपको मिलने वाला है। एक फ्लैश भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो फ्लैश आपकी अच्छी वर्क करती है, आपको ब्राइट फ्लैश आपकी काफ़ी तेज़ है। थोड़ा सा इसमें अलग डिज़ाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, पोको का साथ में अलग डिज़ाइन यहाँ पे देने की कोशिश की है। इसके अंदर एक स्टिकर सा भी है, उसको भी हम हटा लेते हैं, जो स्टिकर मतलब ऐसा दिखता है अलग से। आप देख सकते हो डिस्प्ले को, हम इसको ऑन कर लेते हैं। डिस्प्ले इसकी आपको देखने की काफ़ी सही डिस्प्ले आपको मिलने वाली है, 90Hz की ये डिस्प्ले होने वाली है, जो लेकिन IPS डिस्प्ले होने वाली है, AMOLED डिस्प्ले ये नहीं है। इसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा बचाने के लिए उन्होंने IPS दे दिया है। आप साइड वगैरह लुक वगैरह देख सकते हो, आपको मतलब सिम इजेक्टर वगैरह का यहाँ पे मिल जाता है, और नीचे की तरफ आप देख सकते हो, मतलब आपको काफ़ी सही डिज़ाइन मिल जाता है। मतलब ज़्यादा बड़ा फ़ोन भी आप इसे नहीं कहोगे, ज़्यादा छोटा फ़ोन भी आप इसे नहीं कहने वाले हो, ठीक साइज़ का ये फ़ोन भी आपको मिल जाता है। मेरे को तो ये फ़ोन काफ़ी सही लगा, इसकी प्राइसिंग भी आपको काफ़ी सही यहाँ पे मिल जाती है, आपको डिस्प्ले काफ़ी सही मिल जाती है 90Hz के साथ में। वो सारी फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। आपको सेल्फी कैमरा भी आपको इसके अंदर मतलब पंच होल सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है, जो इतना मतलब दिखता नहीं है। इसके बेजल्स भी आपको कम मिलते हैं, वो बेजल्स भी नहीं है इस
ड्यूअल स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं, स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी मुझे काफ़ी सही लगा। एआर ब्लास्टर वगैरह भी मिल जाता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे मिल जाता है, वो भी मुझे सही लगा काफ़ी। मतलब गेमिंग की तरफ भी इसे थोड़ा सा रखा गया है और नॉर्मल भी यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, पावर बटन के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, नीचे की तरफ भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है, और आप यहाँ पे 3.5 mm जैक भी आपको मिल जाता है, और चार्जिंग पोर्ट और माइक्रोफोन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ठीक मिल जाती हैं। 3.5 mm जैक नॉर्मली हटाने लग गए हैं फोन, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, ही काफ़ी सही है। आप यहाँ पे बस मेरे को सिम का यहाँ पे लगा, दो सिम आप एक साथ में नहीं लगा सकते हो यहाँ पे, मतलब या तो एक कार्ड लगा लो या फिर एक सिम लगा लो या फिर दो सिम लगा लो, मतलब तीनों चीज़ें आप यहाँ पे डेडिकेटेड आपको नहीं मिलने वाला है। आप एक चीज़ का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर आप कम स्टोरेज का ले लेते हो तो आप कार्ड नया लगा के भी काम नहीं चला सकते हो। बाकी आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं साइड वगैरह में, तो और इसमें इतना कोई खास नहीं है साइड वगैरह में। डिज़ाइन में मेरे को ज़्यादा सही लगा इस बार ये डिज़ाइन में, लेकिन आपको ग्लास नहीं मिलने वाला है डिज़ाइन के अंदर, प्लास्टिक ही मिलने वाली है। वो भी मुझे थोड़ा सा लगा कि ग्लास दे सकते थे, क्योंकि जिस प्राइस में ये आता है ना उस प्राइस में ग्लास आ सकता था। लेकिन आजकल एक बार बीच में ट्रेंड चला था कि हर फ़ोन में ग्लास चाहिए इस प्राइस में, और थोड़ा सा कम भी आता था ना तो भी ग्लास में, लेकिन अब उस प्राइस रेंज को थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दिया गया है यहाँ पे, अब वो चीज़ें नहीं देते। प्रोसेसर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 आपको मिल जाता है, ऑक्टा प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको ये मिलता है, जो काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है। मतलब इस प्राइस रेंज में ये अच्छा प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर आपको ये होने वाला है, तो मुझे तो यहाँ पे ये ठीक लगा। मतलब आप इसमें स्टोरेज भी अलग अलग यहाँ पे ले सकते हो, MIUI 12.5 आपको मिलता है, स्टोरेज आप 464 या फिर 6128 भी यहाँ पे ले सकते हो। MIUI 12.5 है इसके अंदर, वो 13 का भी काफ़ी जल्दी यहाँ पे अपडेट आने वाला है, बहुत जल्दी 13 का भी अपडेट यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा बहुत ही ऐप सेटअप वगैरह कर रहा है, कुछ आपको थोड़े ऐप एक्स्ट्रा भी ऐप यहाँ पे मिल जाते हैं, मैं इसके डिस्प्ले वगैरह में भी दिखा दूंगा आपको, सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ आपको दिखा दूंगा। और अनइंस्टॉल उन्हें कर सकते हैं नहीं कर सकते ये भी मैं आपको बता दूंगा कि वो एक्स्ट्रा ऐप है, उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो डिस्प्ले काफ़ी मेरे को ब्राइट लगी, डिस्प्ले एकदम नई है आपको, मतलब अलग से अगर आप नया देखते हो तो काफ़ी सही डिस्प्ले आपको मैं यहाँ पे लगने वाली है। फिंगरप्रिंट वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, तो वो काफ़ी सही मेरे को लगा कि अच्छा काम करता है, फास्ट काम करता है, आपको ऐसा नहीं होगा कि कभी ऐसे अटक गया रुक गया, क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है और नए जनरेशन का ये फिंगरप्रिंट वगैरह आते हैं। फेस अनलॉक भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो वो भी मेरे को काफ़ी सही यहाँ पे लगा कि अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो वो भी काफ़ी सही है यहाँ पे, मतलब अच्छा है, मैं ये कहूँगा अच्छे से काम करता है अच्छा है। इतना आपको फिंगर अच्छे से मतलब आपका हाथ वगैरह अंगूठा अगर आप लगाऊँ ना थंब तो वो अच्छे से भी वहाँ पे चल जाता है, उंगली वहाँ पे अच्छे से चल जाती है, फास्ट या काफ़ी होने वाला है। आप थोड़ा बहुत और सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हो, आपको डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स है, दो मोड आपको मिलते हैं, आपको एक डार्क मोड मिलता है एक लाइट मोड मिलता है। ब्राइटनेस आप देख सकते हो, इसे ऑटो रख सकते हो या फिर ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन और आप है ना मतलब कर्व करके भी देख सकते हो, आपको फ़ोन की स्क्रीन अब तक यहाँ पे दिख रही है, आप इतना कर्व कर देते हो फिर भी काफ़ी स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रही है, जो काफ़ी अच्छी स्क्रीन ऐसी कहलाती है, अगर ऐसी कोई स्क्रीन दिखती है तो काफ़ी सही यहाँ पे कहलाती है। लेकिन इसमें प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान नहीं रहता, अगर ऐसी स्क्रीन हो कि बगल वाला बंदा भी देख सके तो वो चीज़ें थोड़ी सी होती है, वो उसके लिए आप अलग से टेम्पलेट वगैरह मतलब ग्लासेस आते हैं वो ले सकते हो। बाकी अच्छी डिस्प्ले ऐसी इसे कहते हैं जिसमें कर्व इतना ज़्यादा आपको दिखे, 90Hz की और 60Hz आप इसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, कभी आप चाहो तो 90Hz कर लो, कभी चाहो आप 60Hz कर लो। ऑटो का ऑप्शन मुझे इसमें नहीं मिला कि अपने आप ही हो जाए, वो वाला ऑप्शन मेरे को नहीं मिला इसके अंदर, तो मुझे लगा कि वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि वो सारी चीज़ होती है। थोड़ा बहुत मैं आपको कैमरा सैंपल्स यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे आप खींच लेता हूँ, ये नॉर्मल फोटो ही मैं खींच रहा हूँ, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है अल्ट्रा वाइड वगैरह, लेकिन आपको काफ़ी सही फोटोज़ कैमरा के अंदर आपको 15 megapixel का कैमरा मिल जाता है, जो काफ़ी सही मेरे को लगा, मतलब अच्छा कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, फोटोज़ काफ़ी सही यहाँ पे आने वाली है। आपको मैं थोड़ा से सैंपल्स यहाँ दिखा देता हूँ, आप जूम भी करोगे तो आपको डिटेल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साफ मतलब डिटेल्स आपको दिखने वाली है, जो मुझे काफ़ी सही लगा कि ऐसी डिटेल्स मतलब इस प्राइस रेंज में अच्छी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। और ये साथ ही साथ में और जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगे उसी हिसाब से है ना धीरे धीरे इसको और भी अच्छा यहाँ पे किया जाएगा, वो सुधारेंगे, तो वो भी मेरे को सही लगा कि धीरे धीरे जितना अपडेट आएगा उस हिसाब से कैमराज वगैरह अच्छे होते यहाँ पे जाएंगे।
और भी आपको काफ़ी मतलब अच्छे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं आपको और भी है ना यहाँ पे एक बारी इसकी स्पीकर की साउंड भी यहाँ पे सुना देता हूँ आपको। डुअल स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, मतलब आप दो स्पीकर्स आप इसके अंदर होने वाले हैं। आपको ऊपर से भी आवाज़ आएगी, नीचे से भी आवाज़ आएगी। और जो मेरे को काफ़ी लाउड लगे, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा मेरे को कम लगा, लेकिन नीचे वाला स्पीकर वो काफ़ी मेरे को लाउड लगा। इतनी आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वो वर्क करने वाले, आपको कोई भी मतलब स्पीकर्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखा आपने, काफ़ी मतलब लाउड इसकी आवाज़ है, काफ़ी लाउड है। अब मैंने बैकग्राउंड में वैसे उसकी आवाज़ बंद कर दी है जो मैंने अपने आप बाद में आवाज़ डाली है। तो अब देख सकते हो आप, काफ़ी मतलब लाउड आवाज़ थी उसकी, काफ़ी मैंने मतलब आपको अच्छे से मतलब एक कमरे में अगर आप हो तो काफ़ी सही आपको मिल जाती है आवाज़। इतनी बेकार आप नहीं कहोगे, इतनी मतलब ये भी नहीं है कि पूरा ही एकदम हॉल ही आवाज़ भर देगा, लेकिन आपके एक कमरे में अगर आप हो तो काफ़ी सही आपको यहाँ पे देने वाली गेमिंग एक्सपीरियंस आपका काफ़ी सही यहाँ पे रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो सरप्राइज़ है, मैंने गिवे जो लिखा है, तो गिवे के अंदर मैं इस फ़ोन का गिवे नहीं कर रहा हूँ, पोको M4 Pro का गिवे नहीं कर रहा हूँ, मैं पोको M3 का मैं यहाँ पे गिवे कर रहा हूँ, पोको M3 Pro। अब ये गिवे ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ, ये गिवे मैं पहले ही कर चुका हूँ। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए वो वाली वीडियो वहाँ पे देख लीजिए, आपको वहाँ पे सारी कंडीशंस वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत कंडीशंस यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। आप उस वीडियो को देखते देखते इस मतलब अभी आप सब्सक्राइब कर लेते तो ठीक है, और वहाँ पे आपको कुछ पिन वगैरह का सिस्टम है तो वहाँ पे वो वाली वीडियो अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप मेरी लाइव में आए थे कल है ना, तो मतलब परसों मैंने जब लाइव की थी, तो अगर आप आए थे तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि उनके रिजल्ट्स कब तक आएंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि रिजल्ट्स कब आएंगे, आपने बोला था कि अब आएंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स का मैंने सब बताया था कि डिले वगैरह हो गया है। तो आपको है ना, अगर पार्टिसिपेट करना है पोको M3 Pro के गिवे में तो आप जाइए वहाँ पे, आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। मैंने टाइटल के अंदर भी ऐसे लिखा है कि ना पोको M3 Pro का गिवे है, ना कि पोको M4 का Pro का गिवे है। तो आप जाइए वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो अब मेरे को आप है ना कमेंट करके पूछ सकते हो। और रिजल्ट का मैंने बता दिया था कल, मैं लाइव आया था मतलब परसों लाइव आया था, उसके अंदर मैंने सारी आपको डिटेल्स बताई थी कि क्या कुछ चक्कर है, कब तक ये रिजल्ट आएंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, और जाके पार्टिसिपेट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता तो आप आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल जाके भी देख सकते हो, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर की ज़रूर डाल दूंगा। तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना, और स्टेप्स सबको फॉलो करना। कुछ लोग होते हैं वो चेक तो कर लेते हैं लेकिन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो जो मैं उनसे स्टेप्स बोलता हूँ वो फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, आपको बाकी स्टेप वहाँ पे जाके पता चल जाएंगे। आप जाइए वहाँ पे और वो स्टेप्स आप देख लीजिए, आपको जितने भी स्टेप है सारे फॉलो करने होंगे। अगर आप स्टेप्स फॉलो नहीं करते तो आप नहीं जीत पाओगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और रिजल्ट काफ़ी जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। अगर आपने लाइव नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर, वो अभी भी लाइव है, आप जाके देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आंसर्स वहाँ पे दिए थे। या फिर मैं बहुत ही जल्दी लाइव दोबारा भी आने वाला हूँ, आपको एक बारी मैं टाइम बता दूंगा मेरी कम्युनिटी टैब में, तो आप वहाँ पे जाके भी एक बारी मतलब थोड़ा अपडेट रहा करिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर्स वहाँ पे मतलब बता दूंगा कि कब मैं लाइव आने वाला हूँ। फिर आप मेरे लाइव में कभी ज्वाइन हो जाना, तब मैं आपको आंसर्स दे दूंगा, आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे मेरे से पूछ लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, उनसे भी बोलना कि वीडियो को देख ले और पार्टिसिपेट कर ले। थैंक यू भाई।